दोस्तों, Realme इंडिया ने कुछ टाइम पहले Realme X7 Max को इंडिया में लॉन्च किया था। और ये फ़ोन अगर देखा जाए तो रीब्रांड वर्जन था Realme GT का, जो चाइना में लॉन्च हुआ था। और इसका एक मास्टर एडिशन भी लॉन्च होने वाला है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहने वाला है। इसका डिज़ाइन, इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस, सारी चीज़ें यहाँ पे लीक होकर सामने निकल के आ चुकी है, जो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और ये फ़ोन दोस्तों एक काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं और जानते हैं कि Realme GT मास्टर एडिशन में हमें क्या कुछ खास मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन के साथ ये आने वाला है, जहाँ पे पीछे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। और लीक्स की माने तो इस फोन में आपको लेदर बैक पैनल देखने को मिल सकता है, लेदर की फ्रिज देखने को मिल सकती है। जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड पैनल के साथ आने वाला है। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस फोन में आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सिंगल पंच होल होने वाला है। और डिस्प्ले में दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तीन कलर वेरियंट होने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको ब्लैक और व्हाइट देखने को मिलेगा और एक लेदर फिनिश के साथ आने वाला है। इस फोन का जो प्रोसेसर है वो काफी तगड़ा होने वाला है। स्नैपड्रैगन का 778 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। और यहाँ पे आपको अप टू 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज भी मिलने वाली है। इस फोन का जो वेट होने वाला है वो तकरीबन 174 ग्राम का होने वाला है, यानी 174 ग्राम का। तो काफी लाइट वेट भी होगा ये फोन। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस फोन के कैमरास के ऊपर, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। उसके अलावा पीछे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और सेल्फी के लिए यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो कैमरास अच्छे होने वाले हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। फोन एंड्रॉइड 11 और रियलमी UI 2.0 के साथ आने वाला है। इसके अलावा फोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट और सभी बेसिक सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसके प्राइस को लेके बात करें तो इसकी यूरोपियन जो प्राइस है वो लीक हो चुकी है। यहाँ पे जो यूरोपियन प्राइस है 8 GB रैम 256 GB की, उसकी प्राइस लगभग 399 यूरो बताई जा रही है, जिसको अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 35,300 के आसपास का होता है। और जो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज है उसकी प्राइस 449 यूरोज बताई जा रही है, जो तकरीबन 39,700 रुपये के आसपास होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 6 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 349 यूरोस से हो सकती है, जो तकरीबन 30,800 रुपये के आसपास का होता है। वेल, इसके लॉन्च को लेके फिलहाल के लिए कोई खबर नहीं है, लेकिन शायद ये फ़ोन मुझे लगता है कि ये महीने की एंड या फिर अगले महीने में देखने को मिल सकता है। सो, कैसा लगा दोस्तों आपको ये फ़ोन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हो सकता है दोस्तों ये जो फ़ोन है ना, किसी और नाम से इंडिया में लॉन्च हो, क्योंकि Realme GT जो है Realme X7 Max नाम से लॉन्च हुआ है, तो ये वाला फ़ोन भी किसी और नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है। हो सकता है कि Realme 9 सीरीज़ में आपको Realme 9 Pro नाम से या फिर और किसी नाम से देखने को मिले। सो, ये था दोस्तों एक क्विक अपडेट Realme GT मास्टर एडिशन का। आई होप कि आप सबको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाइए, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आने वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।